हाय, वेलकम बैक। दिस इज प्रतीक और आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर लूप बेसिकली होता क्या है? तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोग को किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, या फिर एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जिसके लिस्ट को मेरे को एक एक करके पढ़ना है और उसको आउटपुट में शो करना है। तो होता क्या है कि लूप्स हमें हेल्प करता है किसी भी एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने में। अब मेरे को 10 बार अगर हेलो लिखना है तो मैं 10 बार हेलो तो नहीं कंसोल लॉग करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरा एक कोड बल्कि 10 बार रन हो जाए। तो वहां पे लूप्स हमें हेल्प करते हैं। और जावास्क्रिप्ट में पहला है फॉर, दूसरा है व्हाइल एंड डू व्हाइल। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप को देखते हैं। तो फॉर का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, फॉर कीवर्ड, देन आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे स्टेटमेंट वन लिखा हुआ है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखना होगा, देन आपका एंड पॉइंट और स्टेप साइज। स्टेप साइज मतलब हुआ कि आपको कितने से आगे बढ़ना है स्टेप साइज, जैसे आपको एक से आगे बढ़ना है कि आपको एक के बाद एक स्किप करके आगे बढ़ना है, यानी कि दो स्टेप से बढ़ना है उस तरह से। और ये कोड जो कि आपका मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। आ जाते हैं कोड पे। चलिए इसको रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये क्या कर रहा है। ये जो मेरा फॉर लूप है इसको स्टार्टिंग पॉइंट मिला 0 और एंड पॉइंट मिला लेस देन 10 यानी कि 9। ठीक है, 0 to 9, क्योंकि i लेस देन 10 मतलब 9 तक, और i प्लस प्लस, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये वही है i प्लस प्लस, यानी कि i का वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता हुआ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये फॉर लूप के अंदर गए तो चेक हुआ कि क्या i इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, मेरे को i का वैल्यू 0 मिल गया। फिर कंडीशन चेक हुआ कि क्या आई लेस देन 10 है, वहां है तो ये अंदर आ गया फॉर के अंदर। जैसे ही आया तो ये हेलो प्रिंट किया। अब क्या होगा, जैसे ही फॉर से वो बाहर आएगा तो वो यहां पे आएगा। यहां पे आते ही क्या हुआ, आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गया, तो अब आई का वैल्यू 0 से 1 हो गया। ठीक है, अब ये चेक होगा क्या आई लेस देन 10 है, हाँ आई का वैल्यू 1 है जो कि 10 से छोटा है, तो ये फिर से कंसोल लॉक किया हेलो। ठीक है, यहाँ पे और फिर से जब बाहर आने लगा तो आई को प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट कर दिया, अब आई का वैल्यू हो गया है 2। वापस यहाँ पे आएगा और क्या 2 लेस देन 10 है, हाँ है, ये फिर से इस तरह से कंसोल लॉक करेगा। ये तब तक करेगा जब तक कि आई इज इक्वल्स टू 9 है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं आई इज इक्वल्स टू 9 हो गया, तो क्या 9 इज लेस देन 10, हाँ है, तो ये कंसोल लॉक करेगा और फिर आई का वैल्यू 10 हो जाएगा। जैसे ही आई का वैल्यू 10 होता है, अब जैसे ही आई का वैल्यू 10 होता है तो क्या होगा कि क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं, तो ये फिर लूप से बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और अब अगर यहाँ पे आप लॉक करें आई को तो ये यहाँ पे एरर शो करेगा। आई होप आपको पता है क्यों ये एरर शो करेगा। क्योंकि आई इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि आई का स्कोप ही नहीं है यहां तक, आई का स्कोप
सिर्फ फॉर के अंदर था। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फॉर लूप किस तरह से काम कर रहा है। अब आप यहाँ पे चाहे जिस तरह से हम लोग टेबल लिखते हैं मैथ्स में, उस तरह से यहाँ पे आप टेबल लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें उसमें कंटिन्यूस रिपीट करना है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इस तरह से मेरे को कंटिन्यूस रिपीट करना है। तो यहाँ पे फॉर लूप डाल देते हैं, क्योंकि हमें टेबल 1 से स्टार्ट करना है, इसलिए मैं 1 से जा रहा हूँ। और मेरे को यहाँ पे 10 लेके चलना है, क्योंकि 10 तक मेरे को जाना है, और मेरे को इसको 1 से इंक्रीमेंट करना है। अब मेरे को लॉग करना है 2 का टेबल, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 × i + 2 × 1 = 2 + 2 × i। ये देखो क्या हो रहा है, पहले तो प्रिंट करेगा 2, फिर इंटू, फिर i का वैल्यू 2 × 1 = 2, फिर यहाँ पे एक स्पेस देगा 2 × i 2, फिर 2 × 2, फिर 2 × 3, फिर 2 × 4। जैसे जैसे i का इंक्रीज करता जाएगा वैल्यू, वैसे वैसे इसका वैल्यू का आउटपुट आता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा स्पेस मिसिंग है, मैं वो डाल देता हूँ। एक और तरीका है कि आपको स्ट्रिंग को लिखने का, आपको इस तरह से बार बार कॉमन इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालना पड़ेगा और उसको ऐड नहीं करना पड़ेगा। इनको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, तो देख लेते हैं टेम्पलेट लिटरल्स किस तरह से काम करता है। मैं इसी सेंटेंस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता हूँ टेम्पलेट लिटरल में। मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से यहाँ पे बैकटिक्स का साइन दूंगा। तो आई होप आपको पता होगा बैकटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 × अब जहां मेरे को वेरिएबल देना है वहां मैं लिखूंगा डॉलर और आई, इस तरह से 2 × 1 = $2 × i। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या कर रहा है। बैक टिक्स के बीच में जो भी आप लिखेंगे वो नॉर्मल स्ट्रिंग होगा, और जिसको भी आप डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, तो उसका वैल्यू यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, और अब मैं करता हूँ Node.js। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग का इन्वर्टेड कॉमा लग गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से स्ट्रिंग लिटरल और फॉर लूप काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग लिटरल्स को सिंटैक्स, कि इस तरह से आपको इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, और 2 × द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल यूज डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वो हेल्प कर रहा है हमें किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने में। और आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग लिटरल किस तरह से काम कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।